अराई में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 24,000 की रिश्वत लेते स्टाम वेंडर व लिपिक को रंगे हाथों पकड़ा। अराई तहसील में परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की, जिसमें एक स्टाम वेंडर व एक तहसील के लिपिक को 24,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों को एसीबी द्वारा गिरफ्तार कर अराई पुलिस थाने में लाया गया, जहां एसीबी के उपाधीक्षक राकेश कुमार के नेतृत्व में दोनों से पूछताछ की गई और कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टया मामला हक त्याग तथा जमीन की रजिस्ट्री करवाने के एवज में रिश्वत मांगने का बताया जा रहा है। एसीबी दोनों पकड़े हुए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बता दें, मामला अराई तहसील क्षेत्र का है, जहां पर दो कर्मचारियों को एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 24,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी कर रही है पूरे मामले की जांच। रिपोर्ट दी थी कि उसकी दो रजिस्ट्रियां और एक हक त्याग इसको करवाने के लिए अराई तहसील में बाबू और एक स्टाम्प वेंडर जो उसके नजरिए रूप से परेशान करके रिश्वत राशि मांग रहे 25,000। सूचना पर हमने सत्यापन करवाया तो 24,000 रुपये का रिश्वत राशि की मांग पाई गई, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए 24,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए, बरामद की गई रिश्वत राशि की और आगे कार्रवाई की। थाने थाने का बोर्ड सूचना पर हमने इसका वेरिफिकेशन